जाएगा इन बढ़ते बलात्कारों को, यह सोचना होगा सत्ता में बैठे सरकार, इन मर्दों को सोचना होगा, उन हिंदुओं को सोचना होगा, ताकि इस ऐसे घटना का अंजाम देते हैं। हालांकि आपको बताते कि ये घटना जो लगातार इस तरीके का घटना लगातार बिहार में सामने आता रहता है, लेकिन इस घटना से पूरे गांव के लोग सहमे हुए हैं, क्योंकि इस गांव की बेटी थी जो नंदिनी, जिसका उम्र लगभग 15 से 14 साल का था, और इस प्रकार की घटना जो सामने आया है, इससे पूरा एकदम कहें तो पश्चिमी चंपारण में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार बताया जा रहा परिजनों के द्वारा, मेरा कहना नहीं है कि उस लड़की के साथ पहले बलात्कार हुआ, उसके बाद उनकी हत्या कर दिया गया। हालांकि मामला जब जाँच होगा तभी पता चल पाएगा आखिर पूरी सच्चाई और मामला क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के साथ यानी कहे तो बहुत बड़ी हादसा हुआ है और उनकी हत्या किया गया है, और साक्ष छुपाने के नियत से भी कई लोगों को बाहर से भी बुलाया गया था, लेकिन परिवार के लोग ही खुलासा कर पाएंगे जो पिताजी सामने हैं, आखिर मामला पूरा सच्चाई क्या है। अच्छा, आखिर कैसा क्या लगता है, कैसे कैसे हत्या हुई है जरा बताएंगे आप उसके बारे में? जी, क्या देखे कहीं शरीर में चोट का भी निशान था क्या, मारपीट ऐसा कुछ? कोई निशान को दिखाई नहीं दिया, उसको गला दबा के उसको मार के उसको दोनों हाथ जो है इसको लगता है कि इसे तोड़ दिया गया है। लोग तो जांच में आएगा तो पता चलेगा, और उसके बाद उसको जान से मार के उसको जो दुपट्टा है उसका उसमें बांध करके एक बांस लगा हुआ है घर में, उस बांस में लटका दिया गया है, बस यही। अच्छा, नहीं ना लड़कियां उस घर में जाकर फांसी पर लग गई हो, खुद खुदकुशी कर ली हो? अपने आप कोई किसी के घर में जाकर फांसी कैसे लगा सकता है सर? अच्छा, उस घर में लोग था उस समय जिस समय उनकी सब बरामद हुआ? वो लड़का जो है जो बाहर से लड़का बुलाया था, जो ये उसका चचा चचेरा भाई है, ये सब लोग था, ये सब लोग मिल करके उसको जान से मारा गया है। लगभग कितने लोग थे उस बच्ची को मारने में? उसमें लोग लगभग हमारे देखते हुए उसमें लोग है 7-8 लोग उसमें है, 7-8 लोग है उसमें। आखिर उन लोगों के अंदर इतनी नामर्दी कैसे आ गई कि एक बेटी पर इतना बड़ा जुल्म कर ढा दिए? सर, जमीनी विवाद है, उनको बार बार मार रहे थे, गाली दे रहे थे, इसलिए वो कर देगा तुमको जान से मार देंगे, कर देगा तुम्हारे लड़के को मार देंगे, तो लड़की को मार देंगे, ऐसे मार दिया है लोग। उनका सब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन प्रशासन के लोग क्या आश्वस्त आपको किए हैं, क्या आश्वासन? प्रशासन उधर की कार्रवाई होगा, अभी तक जो मर्डर हुआ है, इस लड़की के साथ इतना गलत व्यवहार हुआ है, उस कातिल को अभी तक कोई पकड़ नहीं रहा है, नहीं कोई अरेस्ट कर रहा है। आखिर नंदिनी की कातिल की खौफनाक कहानी आखिर उनके माँ भी बताएंगी, लेकिन आपको बता दें कि नंदिनी के साथ जो हुआ सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आखिर इस गांव के बेटी रहने के बाद भी, और समाज को मैं इसलिए कोसता हूँ कि यही वो समाज है जो कहते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन यही समाज, अब इस समाज में ऐसे ऐसे घटिया लोग जब पैदा हो जाते हैं तो उनको क्यों नहीं बहिष्कार किया जाता है, इस समाज से पूछना चाहते हैं, हालांकि सत्ता में बैठे उन सरकारों से पूछना चाहेंगे कि आखिर आपके राज्य में और आपकी सरकार में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, और 20 घंटा होने के बावजूद भी, 25 घंटा बीतने के बावजूद भी कोई यानी कहना गिरफ्तार नहीं हो पाता है, आखिर क्या कारण हो सकती है? क्या ये पुलिस फेलियर है या प्रशासन के लोग फेलियर है, क्या कहेंगे? लेकिन उनकी माँ है जो शायद अंदर अंदर दर्द से तड़प रही होंगी कि एक बेटी थी, एकलौती इनकी बेटी थी, जिनके हर कामों में दुख सुखों में हाथ बताती थी, आज इनके बेटी के निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, और उनके साथ क्या क्या हुआ नहीं हुआ आखिर यही बताएंगे, क्या हुआ उनके साथ नंदिनी के साथ? अंकित, हमने के घर कोई नारायण से घास से गोरा कहाँ गोरे नहीं रोगे घास के गोरे होने। अच्छा, और वह पतिदेव जी कहाँ गोरे कमाए गोरे होने? बेतिया बेतिया। तो कब आई नहीं बेतिया से कमाए? वही नहीं कमा के 6 बजे। 6 बजे और वह घास लेके कोई बजे हम वही बराबर 5 बजे। खेत में गई रही तरकारी तुरे कहीं तब खेत में सब्जी ना तुरंत जना रही हमार बबू लोग तीनों जना खोजत रह खोजत रहू खोजत रहू फिर हम उन्हें से खोज के है नहीं गईनी दूसरा को रही तो फिर हमार बबुआ गई बाँस कोरी ओकरा घर के पीछे घुन घुन हट सुनाई लोग घर है मैंने के लो बाहर के लोग के भुनभुनाट सुन घर में रह लो तो हमने के नानो देखा नहीं सांब बाहरी से भुनभुनाट रहे तो घर में वो गई लान तो गई लान दुआरी पर तो 3 आदमी आए वो लई के बा जहाँ राम परवेश नाम हो वो भाग के चल गए मोटरसाइकिल से। अच्छा, राम परवेश के है? राम परवेश नाम आओ तो राम परवेश वो हवन राम अवतार महतो के नाती। अच्छा, उपिंदर के बेटा। अच्छा, यह अतकेले मांग का? हां, वह अतकेले। अच्छा, नंदिनी के क्या लगे रिश्ता में? फुआ लगे हमार नंदिनी। नंदिनी फुआ लगे? हां, फुआ लगे। तो फुआ के इतना बेरहमी से हत्या काहे कर देलन? अब वो जानस काहे कइले? कोनो विवाद रहे पहले से? झगड़ा विवाद कथि बा झगड़ा दन पहले से रलख त के जानत लगे कोई मुआई दी हम 300 के 30 अपना संग ले जात रहनी है आ काल छोड़ के चल गनी हम नाले के गनी अपना संग है
कोई हमारा घर कोई ना रहे, घर एगो अंडा लेके ना रहे। नंदिनी के हत्या कहाँ भइल? उनका घर में भइल। दोसर काट छाट नानू कह रहे शरीर में कहीं काट कूट के निशान से छुरा उड़ा मारा लव की हमरा खानी कहां हमने के लव को लख के ना देखल खा। जांच में आई तो जांच में तो पता है सत्ता में बैठे सरकारों से किस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं होता है तो उसे दरिंदों के लिए समाज में जो लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा और समाज को आगे बढ़ के उसे लोगों को सजा देना पड़ेगा।